प्यारे संतो, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। दास आशा करता है कि आप स्वस्थ होंगे, सतगुरु का गुणगान कर रहे होंगे। आओ संत महात्माओं, एक वार एक राजा शिकार करने के लिए वन को गया। सैनिक उसके साथ थे और वन में शिकार करने लगा। शिकार करते करते वो राजा बहुत दूर निकल गया, अपने सैनिकों से भी पिछड़ गया। साथ में मात्र दो तीन सैनिक उसके रह गए। अब संत महात्माओं, अब उसे जब पानी की जो प्यास लगी, अब प्यास के मारे व्याकुल हो उठा। दूर तक देखा तो उसने पानी नजर नहीं आ रहा था। कोई गांव नहीं था, किसी का मकान, किसी की झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। गमगीन अवस्था में हो गया और इधर विधर भ्रमण करने लगा। अचानक उसकी नजर एक आश्रम पे पड़ी। आओ संत महात्माओं, जैसे ही आश्रम पे नजर पड़ी और वहां देखा कि जल की सुविधा भी है, तो उसने सबसे पहले पानी पिया और ईश्वर का धन्यवाद दिया। कुछ ही दूरी पर देखा एक महात्मा जी बैठे हैं, तप साधन में लीन हैं, मौन धारण किए हुए हैं, ध्यान लगाए हुए समाधि पर बैठे हैं। उधर देखा संत महात्माओं, बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ है, ढेर लगा पड़ा है। और देखा तो उन्हें निरीक्षण करा बारीकी से कि कहीं जानवर तो नहीं पाले जाते। आओ संत महात्मा, एक एक रूम को चेक करा, एक एक कोने कोने पे गया आश्रम के, लेकिन वहां कहीं भी यानी कोई जानवर नहीं था। और वो लीद थी, घोड़े की लीद थी। आओ संत महात्माओं, ये देख करके आश्रय में पड़ गया, रुका ना गया और महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आंखें खोलिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जैसे ही महात्मा ने उसकी बात सुनी, उन्होंने ध्यान को तोड़ा और कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। कह रहे ये बात बता दीजिए, आपने कोई जानवर भी नहीं पाला काली के आश्रम में, फिर इतनी सारी लीद कहां से आ गई। बोले अच्छा। बोले एक बार हम भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे एक राज्य में, तो वहां के राजा ने हमें जो लीद दे दी थी, अब ये लीद 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये लीद जो है, अब उसी राजा को इस लीद का सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि दान हमेशा से ही जी पड़ता है। आओ संत महात्मा, ऐसा सुनकर के राजा सक पका गया और चरणों में गिर गया। बोले वो तो पापी मैं ही हूं जिसने लीद दी, महाराज एक ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे ये मैं बच जाऊं इस लीद के खाने से। संत महात्मा बोले, जैसी करनी ऐसी भन्नी, जैसा करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, लेकिन फिर भी ज्यादा गड़गड़ाते हो तो बता देता हूं कि आप एक रथ सजमाना, रथ में 2-4 से कन्याएं, जवान कन्याएं बैठलवाना और उनके कंधों पे हाथ रख के शोभा यात्रा निकालना। हे राजन, जो जो भी आपको बुरा करेगा उसके हिस्से में ये लीद जाती रहेगी और लीद जो है खत्म हो जाएगी। इस तरीके से राजा ने प्रबंध किया और जवान कन्याएं बुलाई, रब्बा सजवा के निकलवाया गया शहर से। सभी ने हंसना शुरू कर दिया और जैसे राजा निकलता उसके पीछे कहते, राजा सटिया गया है, बुजुर्ग राजा है, कितनी उम्रदार है, जवान लड़कियों के ऊपर कंधे रख के जा रहा है, इसे शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती। इस तरीके से जब वार्तालाप करने लगे औसंत महात्माओं, शाम को राजा सारा काम निपटा के फिर आश्रम में जा पहुंचा और हाजिरी दे दी और कहने लगा, महात्मा जी मैंने ऐसा काम ये कर दिया जो आपने बताया था। देखा तो जो लीद उसने दी, तो वो तो इतनी लीद वहां पड़ी हुई थी और सारी लीद जो है खत्म हो चुकी थी। बोला महाराज ये, बोले ये तो तुझे खानी पड़ेगी, अब खाएगा कैसे, इसका मैं तरीका बता देता हूं। बोले ये गायब क्यों नहीं। बोले फला गांव में एक ब्रह्मवेता संत रहता है जो कि कुम्हार का काम करता है, उसने तेरी बुराई नहीं की क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी संत है, अब तो तुझे खानी पड़ेगी, इसकी भस्मी बना लेना, इसे जलाने लेना और थोड़ी थोड़ी फांक लेना और ये खत्म हो जाएगी। आओ संत महात्माओं, तो ये है चुगली की सजा। चुगली से बड़ा सजा इस संसार में नहीं है। जितना भी हम पुण्य कर्म करते हैं, जितनी भक्ति करते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, पूजा पाठ इबादत, वो सारी के सारी समाप्त हो जाती है एक चुगली करने मात्र से।
और चुगली की इतनी बड़ी सजा बता दी है जिसे जानकर के इंसान जो है बहुत दंग रह जाएगा, आश्चर्यचकित पड़ जाएगा। आओ संत महात्माओं, जीवन में सब कुछ करना लेकिन ये चुगली का भी मत करना, जीवन में सब कुछ करना लेकिन अहंकार का भी मत करना, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहां निरंकार नहीं होता है, जहां मैं होता है वहां तू नहीं होता है। आओ संत महात्माओं, अब तू में हमें समाना है, तू ही के नजारे हमें देखते जाना है और जीवन को सफल बनाना है, तो हमेशा क्रोध को ये त्याग दें, हमेशा नफरत निंदा चुगली से हमेशा दूर रहें। यदि जीवन सुखद चाहते हैं, यदि परमात्मा की कृपा चाहते हैं, सदगुरु की कृपा आप पे बरसे, आपके घर में सुख शांति संपन्नता आए, तो आओ संत महात्मा उस चुगली से कई कोसों दूर बचिए और सेवा सत्संग सिमरण को जीवन का आधार बना लीजिए। परम प्यार से मिलकर के बोलिए धन्यवाद।